इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल गोकू बहुत लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन सभी वेजिटा फैंस के मन में भी ये बात हमेशा से रही है कि काश वेजिटा भी ये टेक्निक्स का यूज कर पाता। गोकू के पास हमेशा कोई ना कोई अपर हैंड रहता ही है, कभी वो कायोकेन यूज कर लेता है तो कभी इंस्टेंट ट्रांसमिशन। लेकिन अब हम सबका इंतजार होता है खत्म, क्योंकि अब वेजिटा जा रहा है प्लेनेट यार्डरेंट इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक सीखने। तो हाल ही में आए ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के चैप्टर 50 ने बहुत कुछ रिवील किया है। चैप्टर के आखिर में वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल के शिप के पायलट को ऑर्डर देता है कि मुझे प्लेनेट यार्डरेंट पर ले चलो। अगर आपने चैप्टर 50 वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी मांगा और वीडियो का लिंक दोनों मिल जाएगा। तो चैप्टर के लास्ट में सीन कुछ ऐसा होता है कि गोकू जैको और मीरस के साथ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, क्योंकि वो मोरो को हरा नहीं पा रहे थे, उन्हें मजबूरन प्लेनेट नेमेक से भागना था। लेकिन वेजिटा गोकू के साथ जाने से मना कर देता है। जब मोरो के साथी एक साथ हमला करते हैं तो गोकू को मजबूरन वेजिटा के बिना ही टेलीपोर्ट होना पड़ता है। वेजिटा के मन में कुछ तो था, वो कहता है कि अब वक्त आ गया है मैं अपना रास्ता बदल दूं। वो कहता है कि ये मैजिक और गॉड पावर सब बकवास है, अब मैं अपने रास्ते पर खुद चलूंगा। वो कहता है कि सैयन रेस ने हमेशा से ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बलबूते पर सभी लड़ाइयां लड़ी है, इन सब फालतू ट्रिक से कुछ नहीं होगा। और इस सब के बाद वो इरिको नाम के इस पायलट को ऑर्डर कर देता है प्लेनेट यार्डरेंट पर जाने को। तो सोच के देखो भाइयों, आखिर वेजिटा प्लेनेट यार्डरेंट की ओर क्यों जाना चाहेगा? ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि गोकू ने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक प्लेनेट यार्डरेंट पर सीखी थी। तो कहीं वेजिटा भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने यार्डरेंट के पास तो नहीं जा रहा? कहीं वो थक तो नहीं गया बार बार गोकू की मदद लेने से? उसके लिए उसका गौरव ही सब कुछ है, वो चाहता है कि वो जो भी करे खुद के बलबूते पर करे। वेजिटा ने गोकू को साफ साफ कहा कि दिस इज वेयर आई पार्ट वेज विद यू पीपल। क्या वेजिटा सच में गोकू से अलग रास्ते पर जा रहा है? आखिर कौन सा नया रास्ता है ये? अगर सच में वेजिटा अपनी राह खुद अकेले चलना चाहता है तो ये टॉपिक बहुत सीरियस हो जाएगा, इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। फिलहाल के लिए तो इस नए रास्ते से मैं यही समझ पा रहा हूँ कि वेजिटा प्लेनेट यार्डरेंट पर जाके वहाँ के लोगों से इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक सीखेगा, और साथ ही साथ उसके मन में जरूर और कुछ भी चल रहा है, जरूर वो कुछ बड़ा सोच रहा है। सिर्फ एक टेक्निक सीखने के लिए वो क्यों इस तरह की हरकत करेगा? कुछ न कुछ बात जरूर है भाइयों, और इस सवाल से पर्दा उठेगा अगले चैप्टर पर। वेजिटा ने गोकू को कहा था कि भाड़ में जाए ये मैजिक ट्रिक्स और गॉड पावर्स, एक सैयन को इन सब की कोई जरूरत नहीं, और वेजिटा को ये सब अपने ईमान के खिलाफ लगता है। गॉड पावर्स के लिए 5 सैयन के साथ मिलकर पावर इकट्ठा करना, कहीं दूर जाना हो तो गोकू का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट होना, जमासू जैसा दुश्मन आए तो गोकू के साथ फ्यूज होना, ये सब वेजिटा को अपनी प्राइड के खिलाफ लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेजिटा 100% ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने के लिए प्लेनेट यार्डरेंट पर जा रहा है, बट खुद सोचो यार, आप सब भी तो फैंस ही हो, स्टोरी में तो कैसा भी प्लॉट सामने आ सकता है भाइयों। लेकिन फिलहाल के लिए मैं श्योर हूँ कि वेजिटा का अगला इरादा प्लेनेट यार्डरेंट पर जाके इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक सीखने का है, ताकि वो कभी भी गोकू पर डिपेंडेंट ना रहे और खुद की मर्जी से टेलीपोर्ट हो पाए। और याद रखना भाइयों कि वेजिटा अगर इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख जाएगा तो वो गोकू से बेहतर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वेजिटा का की कंट्रोल पर फोकस गोकू से बहुत बेटर है, इसी वजह से उसने बिना गॉड की के एक्सपीरियंस के ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की थी और इस ब्लू फॉर्म पर गोकू से पहले महारत भी पा ली थी। लेकिन एक डाउट फिर भी मेरा बना रहेगा कि अचानक से इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख लेने से भी वेजिटा मोरो का क्या उखाड़ लेगा? मतलब इतनी इम्पोर्टेंट फाइट को छोड़ के अचानक से वेजिटा को ये ही क्यों लगा कि चलो प्लेनेट यार्डन जाके इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखी जाए? या तो वेजिटा के मन में कुछ और ही बड़ा प्लान है, या फिर ये एक गिफ्ट है अकीरा तोरियामा की तरफ से सभी वेजिटा फैंस के लिए। वेजिटा का इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख जाना एक बहुत बड़ी फैन सर्विस कहलाएगी भाइयों। सारी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन पहले गोकू को ही मिली थी। कायोकेन और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल तो गोकू ऐसे करता है जैसे वो हाथों में साबुन लगा रहा हो। सुपर सैयन गॉड रेड फॉर्म भी पहले गोकू को ही मिली थी। हर चीज में, हर नई ताकत में, हर एक टेक्निक में पहला दर्जा गोकू को ही दिया जाता है। प्लस एक बड़ी नाइंसाफी और भी हुई है वेजिटा के साथ कि कभी भी वेजिटा को सुपर सैयन 3 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि वेजिटा सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, अगर वो चाहे तो सुपर सैयन 3 भी मजे से हासिल कर सकता है, लेकिन स्टोरी राइटर्स ने वेजिटा के लिए ये सब कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी प्रिंस वेजिटा
अपनी होल्ड जमाए बैठा है। ऐसे में अगर वेजिटा भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी कोई टेक्निक सीख जाएगा तो सच में ये बहुत बड़ी बात होगी भाइयों। और क्या पता वेजिटा प्लेनेट यार्ड्रेन से कुछ और ही सीख के आ जाए। लेकिन फिर भी अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है, हमें वेट करना होगा अगले चैप्टर का। और अगर पता चला कि प्लेनेट यार्ड्रेन पर जाने का वेजिटा का मकसद कुछ और ही है तो मेरी इस वीडियो की तो बैंड ही बज जाएगी। इसलिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना और जल्दी से जाके ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के चैप्टर 50 वाला वीडियो देखना। इस वीडियो को देख के सभी वेजिटा फैंस बहुत खुश हुए होंगे। तो आज के सारे लाइक्स प्रिंस वेजिटा के नाम पर, एम करेंगे 2022 लाइक्स की। और अगर चैनल पर नए हो भाई लोग तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।